आप पढ़े होंगे एक दिन देख लें, जो सोशल वर्कर मानता हूँ, सोशल वर्कर फूट फूट कर रोता है ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, किसी अन्य प्रदेश का नहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है। दरअसल इस सिपाही की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदारों की गाड़ी की फोटो खींच ली थी। अगर ये विधायक विपक्ष का होता तो शायद उसके घर में आज शाम तक बुलडोजर चल जाता, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक विधायक के रिश्तेदारों करीबियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार हर तरफ ये कहती नजर आती है कि हम अनुशासन और शासन को बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वायरल वीडियो ने सरकार की पोल खोल के रख दी। ये सही है, ये लोग तो पहले तो करते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते हैं। आप लोग गाड़ी में एक चालान आपकी बात सही मान लिया है, आपकी बात सही मान लिया है। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस इसी पर अगर वो चालान कर रहा था चालान, नहीं नहीं इस पे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान कर रहा जो कोई बात जो पानी नहीं होता। बात तो केवल इतनी थी, जैसे थाने पर बैठकर अपनी आप बीती बताता सिपाही बार बार रो रहा है और अधिकारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो विधायक के रिश्तेदार ने उसके साथ अभद्रता की है। 24 घंटे हमारी रक्षा करने वाले उत्तर प्रदेश के सिपाही अगर इस हालात में जिएंगे तो आखिर क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश का सिपाही इंसान नहीं है? क्या उसके पास सम्मान नहीं है? या उसे सुकून से जीने का अधिकार नहीं है? वो सिपाही तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, कहीं ना कहीं विधायक प्रतिनिधि या विधायक के रिश्तेदारों ने गलती की होगी जिस वजह से उसने उनकी गाड़ी की फोटो खींची। और ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज यूपी पुलिस के एक ट्रैफिक सिपाही को थाने में बैठकर अधिकारियों के सामने रोना पड़ रहा है? सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन विधायकों के सामने नतमस्तक है? आखिर क्यों शासन के नाम पर सिर्फ जनता और विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है? सवाल तो यही है कि तुरंत एक्शन लेने वाले योगी जी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या विधायक या विधायक के रिश्तेदारों पर कार्रवाई करेंगे योगी जी? देखना होगा, देखते हैं होता क्या है। लेकिन आपको भी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस तरीके के विधायक के रिश्तेदारों या विधायक प्रतिनिधियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ शेयर जरूर करिएगा ताकि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन ले सकें और ये बता सकें कि शासन और अनुशासन सिर्फ एक शख्स, एक समाज, एक नेता के लिए नहीं है, ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक समान है।